रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल शांति नगर जयपुर आप सभी का अभिनंदन करता है। यह है स्कूल का मुख्य प्रवेश द्वार जहां से हम स्कूल के भीतर आ रहे हैं। प्रवेश में बाईं ओर आप देखेंगे तो पार्किंग एरिया है, दाहिनी ओर स्कूल का सबसे बड़ा स्टेडियम, सीधे चलते हुए सामने टक शॉप और पहले राइट कर्व के साथ ये हमारा स्टेडियम आपको देखने को मिलता है। ये स्कूल का सबसे बड़ा और मुख्य स्टेडियम है। यहाँ रास्तों से गुजरते हुए प्राइमरी विंग है जो आपको बाहर दिख रही है। यहाँ से वापस हम मुख्य सड़क से घूमते हुए ग्रीन एरिया के बीच से होकर गुजरते हैं। अभी हम रिसेप्शन का जो मुख्य भाग है उधर आ गए हैं। ये है रिसेप्शन और प्रिंसिपल मैम का ऑफिस, साथ ही ये ग्रीनरी जो ऑफिस के बाहर आपको देखने को मिलेगी। ये सर्कल है जो रिसेप्शन एरिया के सामने है। रिसेप्शन एरिया के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं। ये रिसेप्शन एरिया है जिसमें दाईं ओर कक्षाएं हैं। ये बिल्कुल सामने मिडिल स्कूल असेंबली ग्राउंड और चारों तरफ कक्षाएं जिनमें मिडिल और सीनियर कक्षाएं हमको दिख रही हैं। यहाँ से पुनः हम लौट कर आते हैं। ये प्रिंसिपल मैम के ऑफिस की साइड का एरिया है, साथ ही फाइनेंस ऑफिस, ये लॉबी है। पुनः हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सामने का ये हमारा गेट नंबर 2 है जहाँ से एग्ज़िट होते हैं। ये स्टेडियम जो अभी हमने देखा था, स्टेडियम और मुख्य बिल्डिंग के सामने से गुजर कर हम जाते हैं। ग्रीन एरिया दोनों तरफ हमारे हैं और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर सामने स्केटिंग एरिया है। रिसेप्शन एरिया से आगे हम बढ़ते हैं तो अब हम चल रहे हैं स्कूल के ऑडिटोरियम की तरफ। ये सामने ऑडिटोरियम दिख रहा है। ऑडिटोरियम के दाईं ओर से निकलकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऑडिटोरियम में, ये ऑडिटोरियम के पीछे की तरफ हम आ गए हैं जहाँ पर पार्किंग एरिया है, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी दिखाई दे रही होंगी। साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक रूम हमारा, ये ऑडिटोरियम के चारों तरफ प्रवेश द्वार हैं। वहाँ से लौट कर हम वापस आते हैं मुख्य बिल्डिंग की तरफ। ये हमारा बिल्डिंग के पास स्केटिंग एरिया और आसपास की ग्रीनरी है। ये सेकेंडरी कक्षाओं के लिए जाने के लिए चैनल गेट है। दाहिनी तरफ कक्षाएं हैं, बाईं ओर जाते हैं तो प्रिंसिपल मैम का ऑफिस है। ये सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए रास्ता है। ये मिडिल स्कूल ग्राउंड जो असेंबली ग्राउंड देखा उसके सामने का एरिया है। ये हमारा लॉन टेनिस का एरिया है। ये मुख्य कक्षाओं के चारों तरफ से कक्षाएं दिख रही है वह क्षेत्र है जहां ये फुटबॉल ग्राउंड है बच्चों का, जहां सेकेंडरी कक्षाओं के और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के बच्चे खेलते हैं। ये कॉरिडोर है और ये एक क्लास का नज़ारा है। कॉरिडोर से आगे हम चलते हैं तो सामने प्राइमरी कक्षाएं हैं। ये ऑफिस के पीछे की तरफ स्थित एरिया है जहां ग्रीनरी है। ये नर्सरी स्कूल की है। ये प्राइमरी स्कूल के विंग में हम आ गए हैं। कॉरिडोर के ठीक सामने प्राइमरी स्कूल के लिए असेंबली ग्राउंड और प्लेइंग एरिया है। यहाँ भी चारों तरफ कक्षाएं हमको देखने को मिलती हैं। प्राइमरी एरिया के बाद फिर से हम ये प्राइमरी कक्षाओं की ओर देखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी असेंबली ग्राउंड के बाद हम कॉरिडोर में आ गए हैं। कॉरिडोर से प्राइमरी का प्रवेश द्वार और ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ जो पहले मंजिल पर कक्षाओं के लिए जाती हैं, ये प्राइमरी का एंट्रेंस। ये प्राइमरी के बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है और ये प्राइमरी के गेट के सामने का ग्रीन दृश्य। यहाँ से होकर प्राइमरी के छोटे बच्चे अपने विंग के लिए एंटर करते हैं। साथ ही उसके सामने का हरियाली से ओतप्रोत ये क्षेत्र जहाँ आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। मुख्य रास्ते के साथ साथ प्राइमरी से निकलते हुए हम पुनः मुख्य सड़क पर आ जाते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है और ये श्रीमती रुक्मणी देवी बिरला जिनके नाम से हमारा विद्यालय है, माँ सरस्वती की प्रतिमा जो एंट्रेंस पर है। ये है हमारी फाइनेंस ऑफिस
और सीनियर स्कूल लाइब्रेरी। ये सीनियर स्कूल लाइब्रेरी का दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ हज़ारों किताबें रखी हुई है और सब तरह के बच्चों के लिए, खास करके बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए हैं। ये हमारा बायोलैब है जो 11, 12th या 9, 10th के बच्चों के बायो काम आता है। ये फाइन आर्ट्स रूम है जिसमें बच्चों की कलाकृतियों को देखकर भला हैरत में पड़े बिना कोई रह सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी ही सुंदर अद्भुत कलाकृतियां और आर्ट का काम बच्चों का यहाँ किया हुआ है। सभी और चारों तरफ दीवारों पर आपको ये सुंदर चित्र और कलाकृतियां में दिखेंगी। ये हमारी सीनियर स्कूल कंप्यूटर लैब है जिसमें बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं जो अपने कंप्यूटर पर अपना कंप्यूटर शिक्षण कर रहे हैं। ये फिजिक्स लैब में अब हम प्रवेश करते हैं। फिजिक्स लैब और फिजिक्स लैब में रखे हुए डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, ये फिजिक्स में काम आने वाले गैजेट और उपकरण हैं जो बच्चों के सीखने के लिए काम आते हैं। फिजिक्स लैब की व्यवस्थाओं के पास सामने, फिजिक्स लैब के बिल्कुल सामने ये खुला एरिया है। ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर और बॉयज़ वॉशरूम का नज़ारा है। यहाँ हम आ गए हैं केमिस्ट्री लैब में, जहाँ बॉटल्स में केमिकल भरा हुआ दिख रहा है। बड़े सुंदर ढंग से सारी व्यवस्थाएं यहाँ लगी हुई, जिसमें किसी भी तरह के केमिकल या उनसे रिलेटेड किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट बच्चे कर सकते हैं। एनसीसी के बच्चे, तीन राज एनसीसी हमारे पास है। ये हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम का नज़ारा है जो अंदर हमें दिखाई दे रहा है। स्कूल के छोटे से बड़े ज़्यादातर प्रोग्राम जो गैदरिंग के होते हैं वो हम आसानी से यहाँ कर लेते हैं। ये हमारा इसका रूम है जहाँ से सारे लाइट्स और आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक ज़रूरतें पूरी होती हैं। ये यहाँ का वॉशरूम एरिया है जो ऑडिटोरियम में सेपरेटली बनाया हुआ है। वॉशरूम के साथ ही ये हमारा प्रिंसिपल मैम ऑफिस के बाहर का दृश्य है, जहाँ पर ये म्यूजिक रूम है और बच्चे भी हमें यहाँ पर संगीत का प्रशिक्षण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीचर्स के साथ बच्चे अपने संगीत की शिक्षा को कंटिन्यू करते हुए। ये दूसरी मंजिल से मिडिल स्कूल ग्राउंड और आसपास के क्लासरूम्स का नज़ारा हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ये डिजिटल स्मार्ट बोर्ड टीचिंग प्रोसेस कक्षा में चल रहा है। ऊपर से नीचे सीढ़ियों के माध्यम से आते हुए हम विद्यालय के चारों कोनों पर सब कक्षाओं में ऊपर और नीचे आने जाने के लिए सीढ़ियाँ दी हुई है। ये प्राइमरी स्कूल की कक्षा का एक दृश्य है, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़े सुंदर ढंग से रंग बिरंगे बोर्ड के साथ सजा हुआ ये क्लासरूम। ये ऑडिटोरियम के सामने मुख्य सड़क, जहाँ से गुजरते हुए हम सामने गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 पर पहुँचते हैं। ये स्कूल से एग्ज़िट के लिए दो रास्ते हैं और यहाँ हमारा सफ़र पूरा हो जाता है।